वेल स्वागत है आप सबका चिंग्स की देसी चाइनीज किचन में। यहाँ पे हम बढ़िया फ्राइड राइस बनाने वाले हैं। अरे यार, फ्राइड राइस तो आपने बनाया होगा, खूब बनाया होगा, लेकिन अब अगर हम बनाएंगे तो कुछ अलग बनाएंगे। नेशनल को इंटरनेशनल करेंगे, चाइनीज में देसी तड़का देंगे। आज बनेगा चिंग्स का बढ़िया फूशिया राइस। फूशिया बड़ा ही इंटरनेशनल नाम लग रहा है। ये फ्राइड राइस में हल्की सी ग्रेवी है, बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। चलिए देखते हैं बनता कैसे। सबसे पहले चिकन को हमें मैरिनेट करना है और उसे पकाना है। ये चिकन की टॉपिंग होगी। चिकन को थोड़ा सा हम प्रिपेयर करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक लाइट गैशेज, थोड़े से ये पतले पतले ये चीरे इसमें मार लेंगे ताकि सारा का सारा जो मैरिनेशन है वो अंदर तक चले जाए। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे चिंग्स की बढ़िया रेड चिली सॉस से। बड़ी ही मस्त है, टैंगी है, हल्की सी स्पाइसी है, बड़ी मज़ेदार है। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, माड़ा जा विनेगर, ये माड़ा जा पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट। अब ये चिकन ब्रेस्ट को हम अच्छे से करेंगे मैरिनेट और उसे एक पैन में हल्के से ऑयल के साथ पका दिया जाएगा। चिकन को 2 मिनट के लिए एक साइड और 2 मिनट के लिए दूसरी साइड। चलिए इसे आराम से पकने देते हैं, तब तक हम अपने फ्यूजन राइस शुरू करते हैं। फ्यूजन राइस बनेगा इस बढ़िया मेरी वॉक में, लेकिन वॉक को एकदम पाइपिंग हॉट, एकदम गर्म करना बहुत ज़रूरी है। गर्मा गर्म वॉक में जब गार्लिक जाता है तो एकदम सिजल हो जाता है ऐसे। साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरी मिर्च, चॉप जिंजर एंड स्टार एनीस यानी कि चक्री फूल। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ये चक्री फूल, ये चारों अच्छे से भुन गए हैं, खुशबू बहुत सही आ रही है। अब इसमें ये बारीक कटी हुई सब्जियां, गाजर, थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च, पीली कलर की शिमला मिर्च, लाल कलर की शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन्स, थोड़ी सी कैबेज, थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज। अब इन्हें अच्छे से इस मसाले में स्टर फ्राई, टॉस। अब इसमें हम डालेंगे हमारा शेजवान फ्राइड राइस मसाला। ये चिंग्स का फ्राइड राइस मसाला जाएगा इस फ्यूजन राइस में, बहुत मज़ेदार टेस्ट देगा और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी निकल के आएगी। और अब इसमें जाएगा स्टॉक, अगर स्टॉक नहीं भी है तो पानी से काम चलेगा। आप सोच रहे होंगे फ्राइड राइस में पानी, पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ। वेल, यही तो हमारा तड़का है। ये फूशिया राइस जो है थोड़ा सा वेट बनता है, यानी कि थोड़ा सा गीला बनता है। इसमें ग्रेवी और राइस दोनों साथ में है, मतलब और कुछ चाहिए नहीं। आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी ब्लांच की हुई ब्रोकली, अगर ब्रोकली नहीं है तो गोभी भी चलेगी, ब्रोकली से थोड़ा अच्छा कलर भी आएगा। कि इसमें जाने वाला है बटर, यानी खूब सारा बटर। इसे अच्छे से एक बॉईल दिया जाएगा। अब लेंगे जी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और उसे घोलेंगे पानी में और बनाएंगे एक थोड़ा सा स्लरी, जिसे थिकनिंग भी बोलते हैं। वैसे चाइनीज खाने में इससे फटाफट थिकनिंग आ जाती है, तो जरा सा यानी कि आधा चम्मच अगर आप कॉर्नफ्लावर लें तो उसमें एक चम्मच पानी डालें, मिक्स करें अच्छे से और आप मैजिक देखिए। मैजिक ये है कि जैसे ही आप ये स्लरी डालेंगे ये फटाफट थिक होना शुरू हो जाएगा। सडनली एक बढ़िया सा ग्लेज आ गया। अब बारी है डालने की एक्चुअल राइस, अगर कल का बचा हुआ राइस भी है तो भी चलेगा, नहीं तो फ्रेश बना लीजिए। अब इस सारे मिक्सचर को एक साथ उबलने दिया जाए ताकि ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा गुई राइस बन जाए। एंड दिस विल बी लाइक अ वन पॉट मील। वेजिटेरियंस के लिए ये ऐसे ही अच्छा है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन तैयार है, ऊपर से स्लाइस करके डालेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट करेगा। डाला जाए, अब ये चिकन ब्रेस्ट
इसे भी स्लाइस करके डाला जाए ऊपर। अब इसे गार्निश करेंगे ये स्टार अनिस से। मैं तो चला जी इसको खाने, क्योंकि है ही इतना टेस्टी। वैसे अब चिंग्स का शेजवान फ्राइड राइस हो गया शेजवान फ्यूजन फ्राइड राइस, ये वाला। वेज बनाइए या नॉन वेज बनाइए, जैसे भी बनाइए, लेकिन चिंग्स का तड़का ज़रूर लगाइए। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बनाते रहिए चिंग्स का तड़का। आई लव देसी चाइनीज।